ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, डार्क ग्रीन जो होता है, इसको हम तो जी व्यूअर्स नेक्स्ट डे हो चुका है। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, दो दिन के बाद हमारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने ले लिया एक्सेल का, ये जो रेड पार्ट है ना, ये थोड़ा थोड़ा आपको और उठाना है। अब हमने क्या करना है, इसको ये देख सकते हो आप, बिल्कुल छिलका है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, डार्क ग्रीन जो होता है, इसको हम उतार देते हैं। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त रेसिपी है और काफ़ी फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है आप सबके लिए। ज़रूर इसको बनाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल पर भी प्रेस करिए। अगर आप फेसबुक पर देखें तो प्लीज़ वहाँ पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। ये देखो जी, हो गया ना बिल्कुल क्लीन, ये देखो। अब हम इनको रख देते हैं एक वेसल में, एक बर्तन में। दूसरे को भी उतार देते हैं हम ग्रीन छिलका। तो ये देखो व्यूअर्स, इनका छिलका हमने साफ कर दिया। ये देखो वो जो डार्क ग्रीन पार्ट होता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको करना है कट, बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है हमने, बिल्कुल छोटा छोटा कीजिएगा। आज हम इसका एक ड्राई फ्रूट बनाना आपको मैं सिखाऊंगी, आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगा। बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक, इस तरीके से छोटा छोटा और बारीक कट कीजिएगा। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हम तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी कैसे बनाएंगे। तो ये देखो व्यूअर्स, इसको हमने छोटा छोटा काट लिया है, ये देख सकते हो, बस इसी किस्म का आपने काट देना है। ये ऐसे काट लिया हमने, अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब हमने एक पैन ले ली और इसमें हम करते हैं जी पानी को ऐड। पानी को अच्छे तरीके से हम उबालते हैं पहले। तो ये देखिए व्यूअर्स, पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने ये उठा के सारा बिस्मिल्लाह करके ऐड कर देंगे और इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें एक बढ़िया सा उबाल आ जाए। और जब तक नहीं ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, आप देख लेना, जब तक नहीं ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक आपको इसको बॉयल करते रहना है और ढक के इसको पकाएंगे हम जब तक नहीं ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। देखो जी, इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम इसको ढक्कन उठा के कुछ टाइम इसी तरीके से कुक करेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये उबल जाए। ये अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं हुए हैं, जब तक नहीं अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बढ़िया सी चीज़ बन के आपके लिए तैयार हो जाएगी। ये देखो जी, ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, ये चेक करके बता रही हूँ मैं, और काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको पानी से निकाल देना है, बिस्मिल्लाह, अच्छे से छान के और एक प्लेट पे हम ट्रांसफ़र करेंगे। इसको देख सकते हो आप, हमने ये निकाल दिया है पैन से। अब हमने सेम पैन ले लिया है, इसमें हम चीनी का एक बाउल ऐड करते हैं और साथ में करते हैं जी मेजरमेंट के हिसाब से पानी भी ऐड। बस इतना हमने पानी ऐड कर देना है। अब हम इसको अच्छे से डिजॉल्व करेंगे, पानी में हल होनी चाहिए हमारी चीनी अच्छे से। ये देखिए चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो चुकी है, ये देखो। अब हमने उठा के मटेरियल हमने इकट्ठा किया है, इसको हम करते हैं पानी में ऐड और कुछ टाइम इसी चीनी वाले पानी में हम इसको फिर से पकाते हैं। इसको हम ढक के पकाएंगे 5-10 मिनट, जब तक नहीं अंदर बाहर अच्छे से जो चीनी है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखो जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो गए इसको मीठे सिरप में पकते हुए। ये जो सिरप हमने बनाया था पीने वाला, अब ये थोड़ा सा हमने और थोड़ा टाइम कुक करेंगे ताकि एब्जॉर्ब अच्छे से हो जाए। अब हमने शुगर सिरप में इसको, हो गया 10 मिनट चलाते हुए। अब हमने ले लेते, ये देखो कुछ ड्रॉप्स हैं वनीला एसेंस के, थोड़े से ड्रॉप्स हैं, ये भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप रोज़ वाटर का ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप केवड़ा वाटर का भी ऐड कर सकते हो। अगर स्किप भी करना चाहोगे तो कोई इशू नहीं है। अब हमने ये जो शुगर सिरप है इसमें, इसको 10 मिनट हो गए पकते हुए, अब हमने वैनिला एसेंस ऐड कर दिया। ये देखो जी, हमारी टूटी फ्रूटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आपको एक काम करना है, आप जितने भी कलर ऐड करना चाहोगे, जितने किस्म की टूटी फ्रूटी बनाना चाहोगे उतने आप बाउल दीजिएगा। हमने 3 किस्म के बनाने हैं तो हमने 3 बाउल ले लिए और इसको शुगर सिरप के साथ में ही मैं ट्रांसफर करती हूँ बाउल में, बिस्मिल्ला। शुगर सिरप साथ में डालिएगा क्योंकि ये और भी अब्जॉर्ब करेंगे। तो चलिए अब हम कलर ऐड करते हैं, बिस्मिल्ला। ये देखिए जी,
ये हो गया येलिश कलर। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तो। ये हो गया जी येलो जर्द, ये हो गया जी येलो कलर, ये हो गया मरून। अब हम करते हैं थर्ड वन, थर्ड वन को हम बनाते हैं रेड, लाइट रेड। ये देखो आप, मैं आपको ड्राई फ्रूट कलर भी यूज़ करना सिखा दूंगी। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, ये हमने डिफरेंट कलर ऐड कर दिया और हमने डिफरेंट टूटी फ्रूटी आपसे शेयर की। ये एक कलर है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है। आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो, इससे एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो, इससे कम भी कर सकते हो। इन बाउल्स में रखेंगे ओवरनाइट, तो नेक्स्ट डे इसका नेक्स्ट प्रेस करेंगे। तो जी व्यूअर्स, नेक्स्ट डे हो चुका है। आप देख सकते हो इन्होंने कितना जो शुगर सिरप है सब एब्जॉर्ब कर लिया है, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा रह चुका है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका का नेक्स्ट प्रोसेस। कुछ टिश्यूज चाहिए सबसे पहले और एक ट्रे चाहिए। टिश्यूज को हम ट्रे पे फैलाते हैं इस तरीके से। अब हमको इस तरीके से सारा पानी इससे ड्रेन करना है। हमने ले लेनी है ये ट्रे जिसमें हमने टिश्यू फैलाए हैं, इसी पे हम इनको डाल के इस तरीके से फैलाएंगे। इनको अब हमने सुखाना है, फाइनल स्टेज है इसका। अब हम इनको सुखाएंगे, उसके बाद आप आराम से इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए जी, ये हमने इसमें जो मीठा सिरप था शुगर सिरप वो निकाल दिया। इसको आप थ्रो नहीं कीजिएगा, इसका आप अगर आप शरबत लवर हो तो इसको आप शरबत बना के भी यूज़ कर सकते हो। तो इनको अब हम दो दिन के लिए धूप पर छोड़ते हैं। तो ये देखिए जी व्यूअर्स, दो दिन के बाद हमारी टूटी फ्रूटी बन के तैयार हो चुकी है। ये देखो जी, ये देखिए, इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो। वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को मैं यही पेंड करती हूँ, आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।